हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.4। आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो इसको सोल्व करेंगे, इसमें कहता है, बोलता है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फेयर। तो एक स्फेयर है, उसको चारों तरफ से एक सिलेंडर ने घेर रखा है। जैसे ये रहा सिलेंडर, तो यहाँ से भी इस तरह से पूरा पैक्ड है सिलेंडर के अंदर। अब ये जो स्फेयर है, बोलता है इसका रेडियस जो है वो है आर। तो फाइंड करना है कि सरफेस एरिया क्या होगा स्फेयर का। तो देखिए, सरफेस एरिया जो है ऑफ स्फेयर, तो वो हो जाएगा 4πr², क्योंकि जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता ही है और यहाँ पे रेडियस हमें आर ही दे रखा, तो 4πr² हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में बोलता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πrh। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास हाइट है, देखिए यहाँ तक तो एक रेडियस हुआ, क्योंकि जितना रेडियस है उतनी हाइट होगी। लेकिन यहाँ पे भी दूसरा रेडियस, क्योंकि जितना इसका डायमीटर है उतना ही तो ये ऊंचा है ना। तो h की जगह क्या यहाँ पे आएगा 2π, और रेडियस तो दोनों का सेम ही है। 2πr h की जगह आएगा 2r, क्योंकि r प्लस r 2r, जितना इसका डायमीटर है उतनी हाइट है ना सिलेंडर की। तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 गुना, तो 2r। तो ये सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4πr². अब आती है तीसरे की बारी, रेशियो ऑफ द एरिया जो फर्स्ट और सेकंड में ऑब्टेन कर रखा है उनके बीच में रेशियो जो है। तो रेशियो जो हो जाएगा, बोल रहा है 1 और 2 में, तो 1 में का रेशियो है 4πr² जो कि है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सेकंड का है वो भी 4πr² ही आया, और 4πr² से ये डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1/1, तो रेशियो आया 1:1। तो बस इस तरह से था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में ले लीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।